ये तो पत्थर बन लग रहे हैं, चोकोबाउ नहीं है ये। मने पण आपो ने, मने पण आपो ने, प्लीज मने पण आपो। वाह सोनू वाह, क्या बोल रहे हैं। हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू गाइस। सो मैंने अपनी चैनल पे ढेर तरह की यू नो फूड चैलेंजेस किए हैं, डिफरेंट तरह का खाना ट्राई किया है, बट मैंने फ्रोजन फूड अभी तक ट्राई नहीं किया था। सो मैंने सोचा चलो वो भी ट्राई करके देखते हैं। एंड जब मैं ऑर्डर कर रही थी और जब मैं मार्केट गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए, तब मेरा दिमाग जो है चकरा सा गया था, बिकॉज इतनी सारी वेराइटी और इतने सारे ऑप्शन थे। तो यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ फूड ऑप्शन है, कुछ मैंने फ्रीजर में रखे हुए हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग लग रही है मुझे, इसका टेस्ट कैसा होगा सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड अभी मॉर्निंग हुई है एंड आपको तो पता है मुझे स्मूदी पीना काफ़ी पसंद है, सो मैं फ्रोजन स्मूदी पीने वाली हूँ। सो ये रहे स्ट्रॉबेरी के फ्रोजन क्यूब्स, मैं इससे स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाने वाली हूँ। सो मॉम इस तरह की जब भी सीजनल फ्रूट आते हैं सो इस तरह का वो पल्प बनाकर उसमें गुड़ या शक्कर या कभी कभी हनी डाल के प्रिजर्व करके रखती है क्यूब्स बनाकर। जब भी हमें स्मूदी बनाने का मन करता है हम क्यूब निकालते हैं, दूध में ऐड करते हैं, पानी में ऐड करते हैं एंड इट टेस्ट यम। सो यस, अभी मैंगो का भी सीज़न आने वाला है। सो मॉम जब मैंगो की सीज़न जा रही होगी तभी थोड़ा यू नो इस तरह से पल्प और क्यूब्स बनाकर रखेगी, तब हम यू नो थोड़ा सा लेटर इन द सीज़न उसे इंजॉय कर सकते हैं। मुझे हमेशा से स्मूदीज पसंद है इस तरह की, एंड कम शुगर भी है एंड मैंने सोया मिल्क लिया है तो बहुत ही हेल्दी भी है इन अ वे। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, जो मुझे फ्रोजन ड्रिंक्स होती है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, सेंसिटिविटी होती है एंड मेरा जो ब्रेन है फ्रीज हो जाता है। सो मैं कोई भी ऑर्डर देती हूँ कोल्ड बेवरेजेस में हमेशा से आइस को यू नो बोलती हूँ कि मत डालिएगा एंड शुगर भी मत डालिएगा, एंड मुझे इस तरह की ड्रिंक्स पीना पसंद है। बट आजकल जहाँ देखो वहाँ पर आधा ग्लास तो वो बर्फ भरते हैं एंड देन हार्डली कुछ ड्रिंक बचती है उसमें। इट इज़ व्हाट इट इज़। सो यस, घर पे ही एंजॉय करना मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। ओके गाइस, सो इट्स लंच टाइम नाउ एंड मैं रेडी होकर वाइटी शॉर्ट्स जो है शूट कर रही थी। मैं ढेर सारे वाइटी शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, कुछ रिव्यू करती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग से आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग माई वाइटी शॉर्ट्स देन डू फॉलो। वेदर काफी अच्छा सा हो गया है, समर में बारिश हो रही है। मैं 13 अप्रैल की बात कर रही हूँ, अगर आप मेरा वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो, जब मुंबई में बहुत यू नो लाइटनिंग और थंडरिंग हुई थी मैं काफी डर गई थी, हम अराउंड 3 o'clock सोए थे। एनीवेज मुझे इस तरह के वेदर में कुछ देसी सा खाने का मन कर रहा है, लाइक दाल परौठा नान समथिंग लाइक दैट। बट आज मैं चैलेंज कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ फ्रोजन फूड ही खाना है। सो मैंने सोचा कि चलो ब्राउज करके देखते हैं, आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। एंड आई वाज नॉट सरप्राइज बिकॉज दाल मखनी थी ऑनलाइन एंड आई गॉट दिस गोल्ड दाल मखनी। मुझे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी एंड इसके ऊपर भी प्लास्टिक रैप किया हुआ है। सो गाइज, मुझे गोल्ड ब्रांड की दाल मखनी मिली है एंड इसके अंदर आते हैं 4 servings एंड ये मुझे मिली है फॉर 199 rupees फॉर 400 grams। एंड यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया उनके पास बहुत सारी रेंजेस है, लाइक मुगलाई थाली, चीज़ कॉर्न बाइट्स, मलाबार पराठा, ये सब तो हम सब लाइव खाना पसंद करते हैं बट फ्रोजन फूड में भी आजकल इस तरह के ऑप्शन आ गए हैं। पैक के पीछे यहाँ पे हीटिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, आप इसे गैस और माइक्रोवेव दोनों पे गरम कर खा सकते हो एंड ये 100% वेजिटेरियन है। मैंने ये ब्रांड के बारे में कभी पहले नहीं सुना था एंड इस तरह का बनाया खाना आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। दाल मखनी के साथ नान ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज ये बेस्ट टेस्ट करता है। सो मैंने सेम ब्रांड का गार्लिक नान ऑर्डर किया है, इसके अंदर चीज़ नान था, नॉर्मल नान था, परौठे भी थे, काफ़ी रेंज थी ब्रेड्स में इनकी। सो आई गॉट दिस फॉर 130 rupees एंड इसके अंदर 4 से 5 नान आते हैं। सो चलो इस बार तो खाना बनाने की झंझट है ही नहीं, थोड़ा सा गर्म करना है एंड खाना रेडी हो जाएगा, तो इसे गर्म करते हैं एंड मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। सो गाइज, मेरा गर्मा गर्म लंच यहाँ पर रेडी है, मैं इसे खाने वाली हूँ रिंग अनियन के साथ। अगर दाल मखनी के साथ रिंग अनियन ना होना तो मुझे मज़ा नहीं आता है। बहुत ही दाल में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, ऑल द गरम मसालाज एंड द खड़ा मसालाज, बहुत ही अच्छी क्रीमी और थिक दाल है ये। मैं होटल वाले दाल से कंपेयर नहीं करूँगी इसे, बट ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपके पेरेंट्स घर पर नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता है या आपको नहीं करना चाहते हो, तो आई थिंक ये बेस्ट लंच है, इसे डिनर में भी आप खा सकते हो। नान मुझे थोड़ी सी ड्राई लगी, च्यूई लगी एंड थोड़ी सी थिक लगी, बिकॉज वो जो लाइव नान का जो टेस्ट होता है वो तो डिफरेंट होता है ऑल टुगेदर।
बट ऑल इन ऑल मुझे कॉम्बो काफी अच्छा लगा। सो गाइज इज इवनिंग टाइम और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7 एंड मैं इवनिंग में खाने वाली हूँ फ्रोजन फूड दैट इज मैकेन्स चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स। आई लव दिस बाइट्स, मुझे इसमें चीज़ पॉपर्स आते हैं वो भी काफ़ी पसंद आते हैं। इनकी कितनी सारी वाइड रेंज है, मुझे वो स्माइली पोटैटोज़ आते हैं वो भी काफ़ी पसंद है, फ्राइज़ आती है, वेज बर्गर पैटी आती है, आई मीन यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव इट, समोसाज ऑल्सो। सो ये काफ़ी ईजी टू कुक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट फ्राई और यू कैन ऑल्सो बेक इट। सो ये मैंने छोटा सा पैकेट मंगवाया है, आई गॉट दिस फॉर 49 rupees एंड इसके अंदर 200 grams है। ओके गाइज, सो माई गार्लिक चिली पोटेटोज आर हियर एंड मैंने इसे फर्स्ट टाइम माइक्रोवेव किया, ये वैसे ही क्रिस्पी एंड सॉफ्ट लग रहे हैं अंदर से जैसे हम ऑयल फ्राई करते हैं। सो मैं इसे केचप के साथ खा रही हूँ, ये वाली चीज़ मुझे केचप के साथ खाना पसंद है। आई थिंक प्राइस वैल्यू वाइज और क्वांटिटी वाइज ये बहुत ही अच्छी स्नैक ऑप्शन है। अगर गेस्ट आ रहे हैं ना आपके पास टाइम नहीं है तो आप फटाफट इसे बेक कर सकते हो, फ्राई कर सकते हो एंड प्रेजेंट कर सकते हो। एंड इसकी अगर ग्रेवी बनाई चाइनीज़ ग्रेवी एंड उसके अंदर भी ये बॉल्स को डाल दिया तो एक गार्लिक चाइनीज़ यू नो मंचूरियन टाइप्स कुछ बन जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट करेगा। सो थोड़े टाइम में मैं डिनर करने वाली हूँ, आई एम वेरी रिलैक्स विद दिस चैलेंज बिकॉज मुझे फ्रोजन फ्रूट को हीट या फिर यू नो फ्राई करना है, बेक करना है एंड मेरा जो खाना है रेडी हो जाता है, तो उस मामले में मैं बहुत रिलैक्स हूँ ये चैलेंज में। बट डिनर बहुत ही यमी और टेस्टी होने वाला है, मैं आपको हिंट देती हूँ, वो गोल है बट जब हम कट करके खाते हैं तब वो ट्राइंगल होता है एंड वो आता है स्क्वेयर बॉक्स में। सो कमेंट्स में बताओ आपको अगर पता चल गया तो। ओके गाइज, सो नाउ इट्स डिनर टाइम एंड आज तो मतलब मज़ा ही आ गया, आज ऐसा लग रहा है मेरा चीट डे है, मैं एक से एक जो मेरी फेवरेट चीज़ें सारी खा रही हूँ एंड टेस्ट कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो डिनर में मैं खाने वाली हूँ पिज्जा। सो गाइज, लंच में मैंने ऑलरेडी नान और दाल मखनी खाई थी तो मैंने सोचा कि अभी फ्रोजन पिज़्ज़ा ट्राई किया जाए। सो ये ब्रांड है मिल्की मिश, मुझे अमूल का भी एक ऑप्शन मिल रहा था बट अमूल का जो मैंने रिव्यू देखा था उसमें इतनी टॉपिंग्स नहीं होती, इतना मज़ा नहीं आया लोगों को। सो मैंने सोचा चलो नया ब्रांड ट्राई करते। मैंने इसकी चीज़ खाई है, बहुत ही यम और डिलीशियस लगती है। सो दिस इज़ पनीर मखनी पिज़्ज़ा एंड इसके अंदर 3 टाइप्स की चीज़ है, दैट इज़ मोज़रेला, शेडार एंड गौडा चीज़ एंड दिस इज़ वेज। आई गॉट दिस फॉर 250 rupees। सो गाइज, ये जो मैं प्राइजेस बोल रही हूँ उसमें मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला बिकॉज यू नो सुपर मार्केट्स और ऑनलाइन पे कुछ ना कुछ ऑफ मिल ही जाता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस पिज़्ज़ा बिकॉज मैंने आज तक अपने ज़िंदगी में फ्रोजन पिज़्ज़ा कभी ट्राई नहीं किया है। अभी तक जो मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है दैट इज़ जोइस पिज़्ज़ा, यू गाइज ऑल नो इट। तो नाउ लेट्स सी, इसे आप पैन में भी कुक कर सकते हो, माइक्रोवेव ओवन भी कर सकते हो। सो चलो इसे माइक्रोवेव करते हैं। सो गाइज, मुझे ये पिज़्ज़ा पैकेज के साथ ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो मिला था एंड मेरा पिज़्ज़ा रेडी है बट जिस तरह से उन्होंने पिक्चर में दिखाया था ऐसा ऐसा नहीं है ये बिल्कुल भी। सो दिस इज़ पनीर मखनी पिज़्ज़ा एंड यहाँ पर मुझे वेजेस दिख रहे तो मुझे लगा इसमें कैप्सिकम भी होगा, सो मैंने देख के वही मंगवाया था बट इसमें सिर्फ चीज़ का टॉपिंग है, आई गेस मखनी सॉस लगा होगा एंड देखने में तो बहुत ही अच्छा और डिलीशियस लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है सारे चीज़ की, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। सो चलो पहले से कट करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। सो गाइज, मुझे डोमिनोज की सीजनिंग तो पसंद आती है बट मैंने ये ओरिका इटालियन सीजनिंग मंगवाया है, ये मेरा फेवरेट बन चुका है अब से, ये वैसा ही टेस्ट करता है जैसा डोमिनोज का करता है। सो डालते हैं ढेर सारा और अब ट्राई करते हैं। एंड आपने वो चीज़ पुल देखा होगा कितना यमी और डिलीशियस था, बेस भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है एंड मैंने इसे 12 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था। सो चलो अभी IPL चल रहा है, मैं उसे इंजॉय करती हूँ, पिज़्ज़ा को इंजॉय करती हूँ एंड येस फ्रोजन डिज़र्ट बाकी है, अभी मैं क्या खाने वाली हूँ आपको शो करूँगी, स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, तो पिज़्ज़ा खाते खाते राज ने ये बॉक्स लिया और इसमें से मुझे छान के बताया कि सोनू तू गलत है, उन्होंने पिज़्ज़ा बराबर भेजा है। यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने रिकमेंडेड गार्निशिंग बोला है जिसमें आप अपने फेवरेट टॉपिंग्स लाइक कैप्सिकम, अनियन, ऑलिव्स ये सब डाल सकते हो। सो ये सिर्फ विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए था ये बॉक्स, पर आपको अपने पसंदीदा जो टॉपिंग्स है वो ऐड करके खाने, पसंदीदा टॉपिंग्स डाल के ऐड करके खाने होते हैं। सो माई बैड कि मैंने ये
इंस्ट्रक्शन जो है प्रॉपरली पढ़ा नहीं। ओके गाइज, सो यमी यमी डिनर के बाद है मीठा खाने की बारी। एंड फ्रोजन फूड में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या मीठा खाऊं। मैंने बहुत सर्च किया, पहले मैंने सोचा कि पहले मैं आइसक्रीम खाती हूँ, फिर मुझे आइडिया आया कि चलो मैं अमूल की जो रसमलाई है फ्रोजन वो ट्राई करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि और भी कुछ ऑप्शन मिलना चाहिए, राइट, कुछ डिफरेंट हो जो मैंने पहले कभी ट्राई ही ना किया हो। सो बहुत टाइम ब्राउज करने के बाद मुझे ये बाओ बंस मिले हैं जो है प्रसूमा ब्रांड के। इनके मोमोज भी आते हैं काफ़ी। सो दिस इज चोको क्रंच एंड यू कैन सी हियर इसके अंदर यमी सी चॉकलेट की फिलिंग बनी हुई है। सो आई गॉट दिस पैकेट फॉर 89 रुपीज एंड इसके अंदर दो बाव आते हैं। सो पहले से गरम करते हैं एंड देन आई टेल यू कि कैसा टेस्ट है इसका। सो गाइज, मैं चोको बाव जो है बना रही थी और आज को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, तो ये खुद ही आ गया मेरे वीडियो में ट्राई करने और बताने। अरे हाँ, अभी इसे कट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या है। जब इसको माइक्रोवेव में डाले थे बहुत ही अच्छी ऐसी खुशबू आ रही थी, लाइक मैं भी चॉकलेटी एकदम क्या है भाई साहब। ये तो पत्थर बन लग रहे हैं, चोकोबाव नहीं है ये। बाप रे, इतना हार्ड कैसे गाइस, ये माइक्रोवेव होने के बाद और हार्ड हो गया। पर इतना हार्ड कैसे कोई खाएगा? इसका चॉकलेट गरम है, मत का। मैदा भर भर के मैदा एंड अंदर चॉकलेट का फिलिंग है बस। अगर तो सॉफ्ट माओ से तो मजा आ रही खाने में, बहुत हार्ड है। या आई थिंक मैंने माइक्रोवेव ज्यादा कर दिया और ये हार्ड हो गए। इसे जस्ट 1-2 मिनट स्टीम करना था तो भी अच्छे लगते। थोड़ी चॉकलेट फिलिंग और ज्यादा हो सकती थी बिकॉज एज यू कैन सी अंदर मैदा जो ये वाइट बंस है पार्ट है वो काफी ज्यादा है एंड चॉकलेट का फिलिंग काफी कम है। इसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। फीलिंग ऐसे ही है। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मुझे वो पैकेट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बाओ बंस दिख रहे थे चॉकलेटी, एंड वो चॉकलेट के अंदर थोड़ा क्रंच भी दिख रहा था। मुझे लगा कुछ पीनट हो गए, आलमंड भी होंगे। भाई नॉर्मल चॉकलेट है एंड ये मैदा बन है। सो गलती पता नहीं मेरी कहाँ हो गई, मैंने शायद इसे ज़्यादा माइक्रोवेव कर दिया या फिर मुझे स्टीम करना चाहिए था, आई डोंट नो। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड मैंने भी ये वीडियो करते समय बहुत सारे फ्रोजन फूड के बारे में जाना कि कितनी सारी वेराइटीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल है एंड ये मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है एंड बहुत ही यमी डिलीशियस जो हम फ्रेश खाना खाते हैं उसका भी फ्रोजन फूड आ गया है। लाइक दाल मखनी, आई वॉज रियली अमेज्ड एंड ऑब्वियसली पराठा एंड नान तो अवेलेबल है ही। येस, आप भी ऐसे कोई फूड जानते हो फ्रोजन फूड जो मैं ट्राई करूँ आप लोगों के लिए पार्ट 2 में, सो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक पार्ट 2 फॉर यू गाइज एंड और भी आइडियाज़ दीजिए, सजेशंस दीजिए न्यू वीडियोज़ के लिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक देम फॉर यू गाइज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। वाह, सुनो एक ही फ्लो में बोल दिया।